यूसीसी कानून कैसा है, इसके आने से क्या क्या बदलेगा और शरीयत के किन कवानीन पर असर पड़ेगा, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन उसके आने से पहले ही हंगामा बरपा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो जुमे की नमाज के बाद यूसीसी रोको कैंपेन पूरे मुल्क में एक साथ शुरू किया। यूपी बिहार के अलावा मुंबई में भी कई मस्जिदों के इमाम एक्टिव दिखे। कल तक के तकरीबन 7-8 लाख लोगों ने इस QR कोड के माध्यम से अपनी राय वहां पर दर्ज कराई थी। यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है ये किसी को नहीं पता, ना उत्तराखंड का ड्राफ्ट पता है और ना ही मरकज का, लेकिन मुखालफत पहले ही शुरू हो गई है। अभी तो सिर्फ हवा हवाई बातें ही चल रही है ना, तो इसलिए पहले उसका भाई ये तो पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लोग खुद मान रहे हैं कि यूसीसी का ओर छोर नहीं पता है, लेकिन उलेमा और इमाम कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। कुछ खुलकर कह रहे हैं यूसीसी आने को दो। पूरी दुनिया में जो है सिक्का एक है, देश एक है, कानून एक होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। यूसीसी पर पीएम मोदी ने कहा था कि मुसलमान मुखालिफ नहीं है, कुछ लोग सियासी फायदे के लिए उन्हें भड़का रहे। हर मुसलमान हर उस कानून का विरोध करेगा जो कुरान के बताए हुए रास्ते को गलत सब बताता है। हालांकि अभी तक सॉलिड पॉइंट किसी ने नहीं रखा है कि बेटियों को बराबरी का हक न देना कहां लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक औरतों के हक के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मतलब इसमें ये हो रहा है कि ऐसा कुछ भी। मौलाना साहब जो कुछ भी और भी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं। यूसीसी पर मुसलमानों और पसमांदा मुसलमान मर्द और खवातीन सोच का बंटवारा दिखने में आ रहा है। शरीयत के हिसाब से तो नहीं चलेगा ये, भारत संविधान से चलेगा, भारत नियम और कानून से चलता है। कयास ये भी लग रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड कैंपेन के जवाब में हिंदू तंजीमें भी ऐसा ही कैंपेन शुरू कर सकती हैं। लोगों को भड़काने भटकाने और अलगाववादी शक्तियों के साथ खड़ा करने के लिए मस्जिदों का प्रयोग बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इस बीच लॉ कमीशन ने एक बयान जारी किया है जिसमें लोगों से यूसीसी पर किसी तरह की अफवाहों में न आने और सोशल मीडिया अटकलों से दूर रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।